लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दादाजी, ये रोमी हर बात पर मेरा निरोध करता है। निरोध? निरोध नहीं, विरोध, विरोध। But India, everyone talks निरोध, निरोध। There is nothing like निरोध। It's a rumor, okay? Oh. कैडबरी, ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? No, दादाजी, no. ये सपना नहीं, हॉकी स्टिक है। हॉकी स्टिक? हॉकी स्टिक। Oh, no, no, no. हॉकी स्टिक नहीं, हकीकत। हकीकत। हाँ हाँ, सम खाट, हॉकी खाट, उल्लू की पट्टी। चाय में शक्कर गिरा, तूने नमक मिला दिया। मैं तो जहर ढूंढ रही थी मगर मिला नहीं। जहर? अरे जहर ही मिलाना था तो अपनी उंगली डाल देती, पूरी चाय जहर हो जाती। गेट आउट और जाओ और हमारे लिए नाश्ता लगाओ, नहीं तो। लोग खाओ, इतना खाओ कि तुम्हारा पेट फट जाए। इतना बदसूरत नाश्ता, ये लगता है तुमने बनाया। मूड ऑफ, ब्रेकफास्ट कैंसिल। एक काम करो, जाओ और हमारे कपड़े इस्त्री करके लाओ। क्या? कपड़े और इस्त्री? नहीं करूंगी। क्या कहा? कपड़े नहीं इस्त्री करेगी, भूल गई? नहीं तो। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? अरे कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही चले जाऊंगा बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर। नहीं तो, नहीं तो बहुत हो गया, अब तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत नाइटो नाइटो बोलता है, अभी हम तुमको ठीक करेगा। तो ये छिछोरी हरकत मिस लंदन की है, सुधरेगी नहीं वो। क्यों चढ़ रहे एक दूसरे पे? कर रहे हो भाई? मिस लंदन। दादाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ बेटी। देखो बेटी, कल ईद है और हमें रशीद मियाँ के घर पर जाना है, और तुम पहली बार अपने होने वाले पति के साथ किसी फंक्शन में जा रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हिंदुस्तानी लिबास पहनकर जाओ तो अच्छा है। अब ये मिनी स्कर्ट वगैरह अच्छा नहीं लगता। दादाजी, आपको तो पता है मुझे हिंदुस्तानी कपड़ों से चिढ़ है, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहन के जाऊंगी। ऐसे ही जाओगी? दादे की बात नहीं मानेगी, हिंदुस्तानी कपड़ों से तुझे चिढ़ है, और ये जो रुमाल जैसे कपड़े लपेट के घूमती है वो ठीक है? तुम बीच में मत बोलो। दादे के सामने अपने होने वाले पति से ऊंची आवाज में बात कर रही है, बदतमीज। दादे मुझे माफ कर दे। दादे, दादे मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादे दादे तू घूम जा, दादे दादे तू वहां देख, दादे अपने कान में उंगली डाल दे, क्योंकि आज इसे मैं समझाने वाला हूँ। बेटे प्यार से समझाना, मेरी इकलौती पोती है। हा? हाँ दादे, तू कान बंद कर। दर्द हुआ? मुझे भी हुआ था जब तेरे वो दो टके के ब्लैक एंड व्हाइट गुंडे मुझे मार रहे थे,
अगर और पिटना नहीं चाहती तो चुपचाप से वही कर जो दादे चाहते हैं। Excuse me, Rommie. What was that big sound? आपने मेरे को why मारा? अबे थेम्स नदी में बहने वाले गंदे कीड़े। कीड़े? ये जोकरों जैसे कपड़े पहनकर तू इस हिंदुस्तानी घर का माहौल गंदा कर रहा है। कल ईद के दिन अगर तू कुर्ते और पैजामे में नहीं आया तो तुझे फटे हुए कच्छे में भिंडी बाजार दौड़ाऊंगा। कच्छा? चुप। तुम समझते क्या हो? तुम्हें मैं कॉन्ट्रैक्ट पर लाई हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अरे तुम हो क्या? और तुम्हारा पति बनना भी कौन चाहता है? जो लड़की अपने दादा की इज्जत नहीं कर सकती वो अपने पति की क्या इज्जत करेगी? अरे सारी जिंदगी वो आदमी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए जीता रहा, और बदले में चाहता क्या है वो? चंद खुशियां, और वो भी तुम उसे नहीं दे सकती? अरे और कितना जिएगा वो? मेरी एक बात याद रखना मिस लंडन, दादे का दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रहोगी। क्या बात है आसमा, आज चांद रात है, कल ईद है, ईद के घर में रौनक होनी चाहिए। क्या है ये सब? भैया परदेश में काहे की ईद? अरे हम परदेश में ही अपने देश जैसा मजा उठाएंगे, धूमधाम से ईद मनाएंगे। अरे रोमी है ना भैया, आप धर्म के बारे में सोच रहे हो? अरे धर्म वर्म से कुछ नहीं होता, आखिर हम सब हैं तो हिंदुस्तानी ही ना। हिंदुस्तान में हम लोग हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। अब तुम देखना लंदन में भी ऐसी ईद मनाऊंगा बिल्कुल वैसी हाँ जैसे बंबई के भिंडी बाजार में और दिल्ली के चांदनी चौक में मनाते हैं। Excuse me, I came from India. 2 weeks I lost my friend Rommie bhai. 2 weeks I have not eaten. Help me. That's please. Very sad. Here, take this burger. I tell you what, you go to the Indian embassy and they'll send you back to India. Okay? Arre, thank you very much. God bless. Arre wah. मुंह काला है, दिल कितना गोरा है। इंडियन एम्बेसी जाऊं मैं कभी सोचा भी नहीं। अरे वाह, कितने दिनों के बाद खाना देखा। एक्सक्यूज मी, इंडियन? यस इंडियन। आप हिंदुस्तानी है? या। अरे वाह बड़ी खुशी हुई, कितने दिनों के बाद हिंदुस्तानी दिखा। ये इंडियन एम्बेसी क्या है? क्या है? मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, संता सिंह के चक्कर में बर्बाद होके रह गया हूँ। संता सिंह? हाँ। दिल्ली वाला? हाँ। तो उसका दोस्त है? बिल्कुल। अरे उसने तो मुझसे भी उधार लिया था, उस दिन मैं लेट हो गया था, मेरा उधार तो बाकी है। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई। तो ये क्या है? ये बर्गर है। चल यही दे ना। क्या करता है, मैं 2 हफ्ते से खाना नहीं खाया। ए भाई। ग्रैंडपा, टीवी से -4 डिग्री टेम्परेचर, वेरी कोल्ड। चुपचाप जाओ, रोमी को मेरे पास ले आ। अरे आ आ बैठ बैठ बैठ। आज तो इतने ठंडे बैठे, हम लंदन में रहने वालों की ये हाल है तो तेरा क्या होगा? ले ले ले, दारू? नहीं नहीं, मैं दारू नहीं पीता। ये दारू नहीं है, लंदन में इसे दवा कहते हैं। पीले घर में आ जाएगी। ले पीले पीले। अबे चढ़ गए तो संभाल लेना। चीयर्स चीयर्स। अरे ये रोमी अचानक कहाँ चला गया? दादे क्या दवाई पिलाया तूने? तेरी दवाई पी के मैं टाइट हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे बहुत मजा आ रहा है सचमुच, अरे बहुत सालों के बाद किसी अपने के साथ पी। विक्रम सिंह के पोते के साथ है? प्रताप सिंह के बेटे के साथ। प्रताप सिंह कौन है? प्रताप सिंह वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, तेरा बाप। मेरा बाप? मेरा बाप तो बाबूलाल था। ओ बस ड्राइवर था वो। एक दिन ना ब्रेक के जगह उसने एक्सीलेटर दबा दिया, बहुत गेयर में मर गया। मैं अनाथ हूँ गेयर। जद्दू? मैं अनाथ हूँ क्या जद्दू? नहीं 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 ऐसा मत बोल। नहीं तू कैसे अनाथ हो सकता? मैं हूँ ना तेरा। हाँ मैं हूँ ना तेरा। हाँ मेरे होते तू कैसे अनाथ? मैं हूँ ना सबका। I'm there, head of the family, I'm there। जद्दू तू बहुत अच्छा आदमी है, जद्दू तू बहुत अच्छा आदमी है। जद्दू मैं तेरे को आज सीक्रेट बोलेगा प्राइवेटली। हट जद्दू, ये लोग है ना, ये लोग मेरे को किराए पे लाए। इधर
Oh, you mean on hire? सच कहा तुमने, ये दुनिया एक सराया है और हम सब यहाँ किराएदार हैं, ऐसा दद्दू कहा करते हैं, है ना दद्दू? जफिर दादे, इसको पूछो कि मेरे को 5 लाख रुपया मेहनताना देने का वादा क्यों किया? मेहनत का फल देने वाली ये कौन होती है बेटे? वो है ऊपर वाला। दादे, हम सब यहाँ नाटक कर रहे हैं, नाटक। Correct. Even Shakespeare ये बोली कि ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब लोग उसका कार है। कार नहीं, हाहाकार, कलाकार, एक्टर्स ऑन द स्टेज। दादे, ये ढक्कन को छोड़ना था, तू मेरी बात सुना, चुप। दादे, तू है ना मेरी बात होश में भी नहीं समझता, बेवड़े में भी नहीं समझता। दादे, मैं ना एक नंबर का कमी ना। ये तो तेरा बड़प्पन है, वरना तेरे जैसा नेक बच्चा मैंने देखा नहीं। चलिए कमीनी जी, बहुत हो गया। दादे, मेरी बात सुन। दादे, आई एम कमीना। दादा जी, आपको गुड नाइट बोलती, गुड नाइट बोलती। गुड नाइट। बच गया। अगर ये ग्रैंडपा को सब कुछ बता देता तो ग्रैंडपा मेरी जान मार देता। अंधा है, कुछ मार देता हूं। मारा? ये अंधा नहीं है, he is not blind. रोमी, उठो रोमी, दादू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अस्मा, ये दादू को क्या हो गया? सुबह से शाम हो गई, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। तुम इनसे कह देना कि मुझसे बात करें, वरना मैं भी नाराज हो जाऊंगी। रोमी, तुम बोलो ना दद्दू को मुझसे बात करने के लिए, वो तुम्हारी बात हमेशा मानते हैं ना रोमी? प्लीज बोलो रोमी, प्लीज। झूठ बोलता है तू, हेड ऑफ द फैमिली। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तू अनाथ कैसे हो सकता है? यही बोला था ना मेरे को? धोखा दे रहा है तू मुझे, धोखा। देखता थे, मैं एक बार अनाथ हो चुका हूं, मैं तुम्हारा अनाथ नहीं होना चाहता दादे। बस कर दादे, दादे उठ जाता थे, प्लीज दादे उठ जाता थे। दादे, उठ। थैंक यू गॉड। गुड मॉर्निंग मिस लंडन। ये लीजिए, चाय पीजिए। मुझे नहीं चाहिए, तुम पी लो। चुपचाप से पी लो, नहीं तो। थैंक्स। एक कप चाय के लिए इतना बड़ा थैंक्स? थैंक्स चाय के लिए नहीं, दद्दू की जिंदगी बचाने के लिए। मिस लंडन, आप चाहें तो अपने रूम में जाके सो सकती हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। नहीं, जब तक दद्दू ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं बैठूंगी। Thank you.
दादे चल दवाई खा ले। अरे नहीं, अरे मालूम है कड़वी है, मधुबाला की फोटो देख मीठी लगेगी। आज दद्दू ने खुद दवा खाई है। ये देख। अरे वाह बेटे, अब तो जीने को दिल करता है। अब तो जैसा डॉक्टर कहता है वैसा ही मैं करूंगा। मन भी कैसा बावरा है, इसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी ख्वाहिश जाग उठती है। तमन्ना थी कि निकी के पति को एक नजर देख लूं, अब दूसरी ख्वाहिश जाग उठी कि बहुत ही जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए, निकी की गोद हरी भरी हो और नन्ने मुन्ने बच्चों की किलकारियों से सारा घर गूंज उठे। बस यही तमन्ना है। दादे आपकी बातों में तो एक बात भूली हमें, आपकी नजर उतारना ताकि आप कभी बीमार ना पड़े और दिलीप कुमार देवानी की तरह एवरग्रीन रहे। ये मैं गरीबों बांट के आता हूँ।